जाता है हमारे YouTube चैनल पे। तो बच्चों, जो लोग पहली बार इस चैनल पे आए उन लोग को मैं बता दूं कि यहाँ पे हम आपको जॉब की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं, प्लस बच्चों जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स होते हैं उनकी हम लोग PDF फाइल प्रोवाइड कराते हैं आप लोग को। तो वैसे ही आज हम बात करने जा रहे हैं SSC की तरफ से निकाली गई जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, जूनियर ट्रांसलेटर और सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर, इसकी वैकेंसी के बारे में, जहाँ पे बच्चों मैं आपको पूरा एग्ज़ाम पैटर्न बताने वाला हूँ, क्वालिफिकेशन बताऊँगा, प्लस इसकी जो सैलरी होगी उसके बारे में बात करेंगे। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है बच्चों कि मैं आपको यहाँ पे इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, वो भी MCQs वाले जो आंसर के साथ, वो प्रोवाइड कराऊँगा। तो पहले एक झलक आपको दिखा देता हूँ मैं यहाँ पे कि आप देख लीजिएगा। ये देखिए बच्चों, यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अटैच्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसके बारे में भी बात करने वाले हैं। इसके अलावा बच्चों, आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, जहाँ पे आपको हर एक SSC के रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स मिल जाएंगे, ठीक है। और जैसे कि आप लोग पता है कि अभी स्टेनोग्राफर की वैकेंसी आने वाली है, तो हम लोग यहाँ पे सीरीज भी स्टार्ट करने वाले हैं, जहाँ पे मैं आपको कंप्लीट स्टेनोग्राफर SSC की पूरी जो MCQs हैं, प्रीवियस पेपर है, उसकी पूरी वीडियो लाने वाला हूँ। तो चलिए आज इसके बारे में बात करते हैं बच्चों। तो सबसे पहले बात करते हैं SSC जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर की एप्लीकेशन की। तो यहाँ पे इसकी एप्लीकेशन 20 जुलाई से स्टार्ट हो चुकी है बच्चों, ठीक है। फॉर्म भरने की लास्ट डेट यहाँ पे 4 अगस्त की है और इसका एग्ज़ाम अक्टूबर 2022 में कंडक्ट कराया जाएगा। एज की बात करें तो मिनिमम एज 18, मैक्सिमम एज 30 ईयर्स है। फीस की बात करें तो यहाँ पे जनरल OBC EWS की 100 रुपीज़ और SC ST बाकी फीमेल्स कैंडिडेट की यहाँ पे कोई भी फीस चार्ज नहीं की जाएगी। अब बात करें इसकी एलिजिबिलिटी की, तो बच्चों यहाँ पे देखिए, पहले हम लोग बात करेंगे इस चार कोड के बारे में, ठीक है, जिसमें जूनियर ट्रांसलेटर के होगी, ठीक, फिर जूनियर ट्रांसलेटर रेलवे में, फिर जूनियर ट्रांसलेटर आपका आर्म्ड फोर्स के अंदर, फिर जूनियर ट्रांसलेटर ये आपका होगा यहाँ सबऑर्डिनेट ऑफिस के अंदर, ठीक है। तो इसके अंदर क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है वो देखते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए बच्चों, लिखा हुआ है मास्टर डिग्री इन हिंदी और इंग्लिश विद इंग्लिश और हिंदी एज कंपल्सरी सब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए, वो भी हिंदी इंग्लिश, ये सब सब्जेक्ट्स आपके कंपलसरी होने चाहिए, ठीक है। इसके बाद बच्चों यहाँ लिखा हुआ है कि आपके पास और, यहाँ देख लीजिए और लिखा है, जहाँ पे मास्टर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट विद इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी एज अ कंपलसरी सब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि मास्टर डिग्री होनी चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में विद इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी एज अ कंपलसरी, ठीक। इसके अलावा बच्चों यहाँ पर देख सकते हैं आप, लिखा हुआ आगे फिर आपका लिखा है कि डिग्री लेवल एंड रिकॉग्नाइज्ड डिप्लोमा कोर्स इन ट्रांसलेशन फ्रॉम द हिंदी टू इंग्लिश और वाइस वर्सा 2 ईयर एक्सपीरियंस, यानी कि आपने डिप्लोमा कोर्स कर रखा हो, वो भी ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश, यानी कि हिंदी से इंग्लिश में आपने डिप्लोमा का कोर्स कर रखा हो, जिसका आपको 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे जो सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर है उसके बारे में, क्योंकि ये जूनियर हिंदी और सीनियर दोनों की वैकेंसी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मास्टर डिग्री मांगा गया आपका सेम हिंदी और इंग्लिश विद इंग्लिश और हिंदी एज अ कंपलसरी सब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं मास्टर डिग्री होनी चाहिए इन एनी सब्जेक्ट विद इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी एज अ कंपलसरी सब्जेक्ट इन डिग्री लेवल एंड रिकॉग्नाइज्ड डिप्लोमा कोर्स इन ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश वाइस वर्सा। तो मतलब बच्चों देखिए, दोनों की जो क्वालिफिकेशन है सेम है, लेकिन जो फ़र्क है वो है आपका एक्सपीरियंस का। जैसे कि यहाँ पे जूनियर वाले में केवल 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा है, ठीक, और यहाँ पे आपका 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। एक्सपीरियंस किस चीज़ का, कि आपको ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश या फिर इंग्लिश टू हिंदी, इस चीज़ का एक्सपीरियंस आपसे मांगा गया है, ठीक है, क्लियर। अब बात करें एग्ज़ाम पैटर्न की, तो यहाँ पे देखिए पेपर 1 और पेपर 2 आपका होगा, ठीक है। पेपर 1 जो होगा वो आपका कंप्यूटर बेस्ड मोड होगा, जहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चंस आपके आएंगे, जो MCQs होते हैं वो वाले, ठीक है, ऑनलाइन रहेगा। तो यहाँ पे आपका हिंदी इंग्लिश 2 सब्जेक्ट रहेंगे बच्चों, जिसमें 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के आने वाले हैं, ठीक है। टाइम देख सकते हैं 2 घंटे का समय आपको दिया जाएगा। पेपर 2 जो रहेगा वो आपका रहेगा डिस्क्रिप्टिव पेपर रहेगा, ठीक है, जहाँ पे ट्रांसलेशन और ऐसे ये सब करना होगा, ये सब लिखना होगा। ये पूरा पेपर बच्चों 200 मार्क्स का होगा और इसको करने के लिए आपको 2 घंटे का समय सेम दिया जाएगा, ठीक है। सैलरी की बात करें तो अब हर एक वैकेंसी के अंदर, मतलब हर एक जो कोड है उसके अंदर सैलरी देखते हैं, तो जितने भी जूनियर वाली हैं तो इनकी सैलरी तो ऑब्वियसली बच्चों सेम ही, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट हो, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं ABCD सब जूनियर ट्रांसलेटर हैं,
तो इनकी जो सैलरी है पे स्केल है वो लेवल 6 के अकॉर्डिंग दिया जाएगा, जो कि आपकी 35,400 से लेके 1,12,400 की सैलरी आपकी रहेगी, ठीक है। और जो लास्ट में जो आपका सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर है, तो यहाँ पे आपकी सैलरी जो रहेगी लेवल 7 के अकॉर्डिंग रहेगी, जो कि 44,900 से लेके 1,42,400 तक की जा सकती है, ठीक। ये आपकी सैलरी रहेगी। अब बात करें इसके प्रीवियस पेपर की, तो बच्चों यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसके प्रीवियस पेपर भी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। ये सिर्फ मैं एक झलक दिखा दे रहा हूँ कि आपको यकीन हो जाए कि पेपर्स हैं, ठीक। तो यहाँ देख सकते हैं जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर का पेपर है 2019 का, ये सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है। तो ये जो पूरा पेपर है इसकी वीडियो जल्द ही आने वाली है, नेक्स्ट हम लोग जो वीडियो अपलोड करेंगे तो यहाँ पे पूरा कंप्लीट पेपर हम लोग डिस्कस करेंगे। प्लस बच्चों एक चीज़ और मैं बता दूँ कि यहाँ पे हम लोग SSC का जो स्टेनो का पेपर है, ठीक है, स्टेनोग्राफर का पेपर है, उसका भी कंप्लीट जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से वो हम डिस्कस करने वाले हैं, सेम आंसर कीज रहेंगी। तो उसकी जो डेट है स्टार्ट होगी वो आपकी होगी 1 अगस्त से, ठीक है। अगर आपको SSC स्टेनो के अंदर के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर चाहिए तो 1 अगस्त से उसकी सीरीज स्टार्ट कर देंगे हम लोग। प्लस एक चीज़ और कि PDF भी प्रोवाइड कराएंगे, ऐसा नहीं कि PDF नहीं देंगे बच्चों, PDF भी प्रोवाइड कराएंगे। तो अगर आपको इसका SSC जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर के पेपर्स चाहिए, हम चाहते हैं हम पूरा पेपर डिस्कस करें, तो बच्चों आपको कुछ नहीं करना है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि वीडियो जैसे ही अपलोड करें आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। और उसी वीडियो में मैं आपको इसकी पूरी कंप्लीट PDF कैसे आप डाउनलोड करेंगे उसके बारे में फुल डिटेल बता दूंगा, ठीक है। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल का लिंक बच्चों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से ज्वाइन हो जाइएगा, जैसे कि कोई अपडेट आती है तो उसके बारे में आपको इन्फॉर्म हो जाए। प्लस एक चीज़ और बता दूँ बच्चों के SSC के हम लोग सारी वैकेंसी के पेपर्स आपको अपलोड वो प्रोवाइड कराएंगे, तो हमारे साथ जुड़े रहिए। प्लस बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारी वेबसाइट है, ठीक है। यहाँ पे आपको सारे PDF मिल जाएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की, ठीक, जिसमें आपके SSC के भी पेपर्स इन्वॉल्व हैं, SSC CGL का पेपर भी इन्वॉल्व है, स्टेनो का भी मिल जाएगा, उसकी सीरीज 1 अगस्त से शुरू होगी। तो सारे पेपर हम लोग इस वेबसाइट पर अपलोड करेंगे, तो आप एक बार जाके विजिट कर सकते हैं, वेबसाइट का नाम देख लीजिए www.hindiaudience.com, ठीक। इसमें आपको हिंदी इंग्लिश दोनों की PDF मिल जाएगी, तो परेशान मत होइए कि आप हिंदी मीडियम के हैं या फिर इंग्लिश मीडियम के हैं। तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन पेपर्स अगर आपको चाहिए, तैयारी अच्छे से करना चाहते हैं तो, ठीक। बाकी अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है इस वीडियो से रिगार्डिंग तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करिएगा बच्चों, और हो सके तो उसको शेयर भी करिएगा। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।